तो मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजते ही कुर्ते पायजामे की मांग भी बेतहाशा बढ़ गई है। टिकट के दावेदारों को उम्मीद है कि कुर्ता पायजामा उनके उम्मीदवार बनने में मददगार साबित हो सकता है। अब टिकट के दावेदार के साथ प्रचार में शामिल सभी कार्यकर्ता कई कई जोड़े कुर्ते पायजामे सिलवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। आगामी 28 नवंबर को मतदान होना है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में खासकर भोपाल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यालयों पर टिकट के दावेदारों की भीड़ भी लगना शुरू हो गई है। उनको उम्मीद है कि किसी का भगवा रंग वाला कुर्ता शायद उन्हें इस बार टिकट दिला देगा। मेरा नाम नरेंद्र गुप्ता केशरी है। मैं पन्ना विधानसभा क्रमांक 60 से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में टिकट मांगने यहाँ भोपाल आया हूँ। इसमें केसरिया है जो हिंदुत्व का प्रतीक है। कैलाश राज, भारतीय जनता पार्टी पूर्व जिला महामंत्री, नरसिंहगढ़ विधानसभा से मैं दावेदारी पेश कर रहा हूँ। बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ, इसलिए भगवा ज्यादा पहनता हूँ। तो कुर्ता टिकट की गारंटी बन गई है। किसी को केसरिया कुर्ते से उम्मीद है तो किसी को भगवे से। लेकिन सादे कुर्ते वाले भी दम दिखा रहे हैं। सफेद, नीले और हरे कुर्ते वाले भी ताल ठोक रहे हैं। कुर्ता पैजामा ने कार्यकर्ताओं का कद बढ़ा दिया है। सब अपनी टिकट पक्की मान रहे हैं। मेरा नाम सुरेश वर्मा है और मूलतः भोपाल जिले का ही निवासी हूं। और बेरसिया विधानसभा सीट जो आरक्षित है उससे मैं अपनी दावेदारी जता रहा हूँ। मैं शिवराज सिंह राजपूत हूँ, युवा नेता हूँ। मेरी प्राथमिकता मेहनत उदयपुरा है, उदयपुरा बरेली विधानसभा, उधर राजपूतों का वर्चस्व रहा है। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद इस्माइल मंसूरी है। मैं प्रॉपर भोपाल का हूँ और भोपाल उत्तर से ही टिकट मांग रहा हूँ। राजेश कुमार मदन लाल जी चौधरी गरोट, बस पार्टी टिकट देगी, सेवा करेंगे और टिकट लेके जाएंगे। मेरा नाम अवधेश जैन है, सागर जिला सुल्की विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहा हूँ। टिकट के दावेदारों को कुर्ते की जल्दी है, लेकिन कुर्ता ऐसा हो जो कार्यकर्ता को नेता की तरह दिखाए। लिहाजा हर किसी की पहली पसंद वही टेलर मास्टर है जो बड़े बड़े नेताओं के कुर्ते सिलता हो, विधायक और मंत्रियों के कपड़े तैयार करता हो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐसा ही एक टेलर है, यूपी टेलर, जिनके पास टिकट के दावेदारों की लाइन लगी है। हर किसी को कुर्ते की जल्दी है क्योंकि कुर्ते में उन्हें टिकट की संभावना दिख रही है। सबको जल्दी चाहिए, जल्दी से जल्दी। क्या है कि जितनी जल्दी कपड़े सिलेंगे उतनी जल्दी वो सोच रहे टिकट मिलेगा हमें। भोपाल के अर्शद की दुकान मशहूर है। मध्य प्रदेश के विधायक और मंत्री अर्शद के हुनर के कायल हैं। अर्शद सभी पार्टियों के दिग्गजों की पहली पसंद है। राकेश सिंह की यही बनते हैं। अच्छा। पूर्व जो है आपके प्रदेश अध्यक्ष है नंद कुमार सिंह, उनके बनते हैं, बहुत सारे लोगों के बनते हैं। हम नाम क्या है कि किसका नाम बताएंगे आपको। अर्शद के दादा भी टेलर मास्टर थे, पिता भी टेलर मास्टर, और नेताओं की पहली पसंद के कारण तीसरी पीढ़ी भी कुर्ता पैजामा सिल रही है। कुर्ता पैजामा जो है 1947 से हमारे दादा ने शुरू करा था, उसके बाद अब हम लोग बना रहे हैं। आज हमारी ये तीसरी पीढ़ी यही काम कर रहा है। लेकिन चुनावी मौसम में कुर्ते की मांग इतनी बढ़ चुकी है कि अर्शद परेशान हो चुके हैं। नेताओं का कुर्ता सिले या कार्यकर्ताओं का, आखिर कितने कुर्ते सिले। मांग बढ़ने से कमाई तो बढ़ी है लेकिन परेशानियां कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। परेशानियां ज्यादा होती है, व्यापार तो बढ़ता है मगर उसके साथ साथ परेशानी भी होती है ना। कितना वर्कलोड कितना करेगा आदमी, एक आध दो पीस चार पीस ज्यादा बनाएगा। चुनावी मौसम में टेलर मास्टरों की चांदी है तो कपड़ा बेचने वालों की भी पल्ले बल्ले हो गई है। टिकट के दावेदारों ने कपड़े की मांग दोगुनी करती है। खादी हो या सूती कुर्ता सभी को चाहिए क्योंकि कुर्ता पैजामा कार्यकर्ताओं के बायोडाटा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। नेता हो या कार्यकर्ता, हर किसी को चुनाव से पहले कुर्ता चाहिए। प्रचार के लिए पैजामा चाहिए, आज नहीं अभी चाहिए, एक दो नहीं पूरे चार चाहिए।
पूरा सेट लगभग एक जैसा ही बनवा रहे हैं नेता करके, जो जितने भी आते हैं मेरे पास कुर्ता पजामा सेम मांगते हैं। आज तो ये हो गया कि अगर उनके साथ में दो लोग भी आते हैं तो वो भी ये डिमांड करते हैं कि सर हमें भी यही चाहिए, अर्जेंट अर्जेंट चाहिए, अर्जेंट चाहिए, हर दो दिन में चाहिए, तीन दिन में चाहिए। तो क्या कुर्ता पैजामा पहन लेने से कार्यकर्ताओं का कद बढ़ जाता है? क्या नेता होने की सबसे बड़ी पहचान कुर्ता पैजामा ही है? और क्या सचमुच कुर्ता पैजामा टिकट मिलने में मददगार साबित हो सकता है? पुराने नेता इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता राजा पटेरिया की माने कुर्ते पैजामे का दिखावा राजनीति के वैचारिक खोखलेपन का प्रतीक है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता खादी की बड़ी मांग से खुश तो हैं, लेकिन कुर्ते से टिकट के कनेक्शन को वो भी खारिज कर रहे हैं। मान लो सोने का कपड़ा पहन के आ जाए तो वोट मिलेगा ना मिलेगा? विचारहीनता की राजनीति के चलते ये बड़ा जो मानसिक विकलांगता आ गई है राजनीति में, वो सारा दल इसके जो शिकार हो रहे हैं उसके चलते रंगा बिरंगा पहन रहा, कोई भगवा पहने, कोई नीला पहने, कोई हरा पहने, कोई कुछ पहने। कुर्ता पजामा से कोई महत्व तो बढ़ता या कम होता नहीं है। कुर्ता पजामा को टिकट थोड़ी मिलता है, टिकट मिलता है जो कुर्ता पजामा के भीतर नेता होता है उसको। जमे जमाए नेता चाहे जो भी कहें, लेकिन पहली बार चुनावी समर में उतरने को तैयार कार्यकर्ता कुर्ते पजामे का मुंह छोड़ने को राजी नहीं। कल तक भले ही वो शर्ट पैंट में घूमते रहे हो, लेकिन फिलहाल सब यही कह रहे हैं कि बचपन से कुर्ता पजामा पहनता हूँ, कुर्ता पजामा ही हमारी इकलौती पोशाक है, कुर्ता पजामा ही हमारी पहचान है। चुनाव के इस दौर में कुर्ते पाजामों की डिमांड बढ़ गई है, तो फिलहाल उनकी तो चांदी ही चांदी है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।